छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग लेने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल बनाने के लिए अनुदान देगी। इस फैसले को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी योजना के पक्ष में नहीं हूं, कोई फैसला नहीं हुआ है अभी। दरअसल भूपेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र में निजी हॉस्पिटल को अनुदान देकर स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने की पहल कर रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। निजी क्षेत्र का भी सहयोग लेने का फैसला किया गया है, लेकिन इस फैसले से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव असहमत हैं। टीएस सिंहदेव ने कहा कि इस फैसले को लेकर मुझसे चर्चा नहीं हुई है, निजी क्षेत्र को अनुदान देने के पक्ष में नहीं हूं, मैं यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के पक्ष में हूं। सिंहदेव ने कहा कि अंग्रेजी नाम होने की वजह से शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, लेकिन निजी क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में फ्री इलाज नहीं देंगे, अनुदान का उपयोग नहीं होगा, मैं ऐसी योजना के पक्ष में नहीं हूं, कोई फैसला नहीं हुआ है अभी। डेस्क रिपोर्ट, समय न्यूज। मैंने भी सुना कहीं पर, मेरे से तो कोई चर्चा किसी की नहीं हुई है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं तो शुरू से ही यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करता रहा हूं, वो अंग्रेजी के शब्द हैं तो शायद लोगों तक पहुंच नहीं पाते, लेकिन निशुल्क सभी नागरिकों का पब्लिक के पैसे से, पब्लिक मनी से, सरकार के बजट से उपचार हो, मैं इस पक्ष का विचार रखता हूं। और हम ये कहते हैं कि हमारे पास सरकारी तंत्र के स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के लिए पैसों की कमी आती है, वहीं दूसरी ओर हम निजी क्षेत्र को अगर पैसा देते हैं तो अगर निजी क्षेत्र निशुल्क काम करेगा तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्रांट लीजिए और किसी से पैसा मत लीजिए, आप निशुल्क उपचार कराइए, तो बात समझ में आती है। लेकिन पब्लिक का पैसा आप निजी किसी भी संस्था को दीजिए और फिर कहिए कि पब्लिक से पैसा लो, तो ये नीति बिल्कुल उचित नहीं होगी। और अभी कोई गंभीर रूप से इसमें चर्चा नहीं हुई है, कहीं कहीं पर मीडिया में सुनने में आया है, मैं इसके पक्ष में नहीं।